वेलकम टू पीबीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हर दिन सुबह आपकी क्लास होती है 8 बजे से कक्षा 10 वालों के लिए, और आज भी हम लेकर के उपस्थित हैं आपके लिए। सबसे पहले ये बताइए, एकदम अच्छा दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, हमारे साथ बहुत से छात्र जुड़ चुके हैं, जैसे भैया चुन्ना कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छा नाम है इनका, मोहित, रागिनी, दीपाली, अनुज, और कौन है इधर, भाई संदीप, पवन राज, और बहुत से बच्चे जुड़े हैं। हम सिर्फ 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रद्युम्न शर्मा भी जुड़ गए हैं। तो ठीक है, लगभग सब कुछ हमें लग रहा है कि ठीक ठाक है। दीपांशु जी, एकदम आवाज वगैरह ठीक है जी? नमस्ते। तो आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं ना, 4 पढ़े हैं, तो आज पांचवा क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। कौन सा क्वेश्चन से? पांचवा से। सबसे पहले आप एक बात बताओ, क्या आपको वो क्या बोलते हैं उसे, अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, अगर अच्छा दिख रहा है तो फटाफट रेडी हो जाओ। दूसरी बात एक और बताओ, ये बताओ, आप सभी किताब लिए हो एनसीईआरटी वाली? एनसीईआरटी बुक लिए हो 10th वाली? लिए हो कि नहीं लिए हो बच्चा, बताओ जल्दी से फटाफट। तो बुक लिए हो तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सलूशन करूंगा, बस आप लोग देखते जाओ। चलो क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सवाल सुनिए क्या कहता है। आज पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे अगर आवाज धीमी आएगी तो आप लोग पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे आ जाना, क्योंकि इस डिवाइस में माइक्रोफोन नहीं लगा, हो सकता है कि आवाज थोड़ा धीमी आए। अब सवाल सुनिए, कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये तो हो गया, लेकिन ना यार चौथा हो गया, पांचवा सुनो, पांचवा सुनो। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। एक बार फिर से सुन लो, मैं यहाँ पे सवाल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है बच्चा आपका कौन सा है भैया? पांचवा है, एक्सरसाइज 4। ऊपर नहीं दिख रहा होगा ज्यादा, तो मैं ही लिखता हूँ, ठीक है? 4.3। चलो, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, यानी जो सम है वो कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। कितना हो जाता है? 210 हो जाता है। तो कह रहा है कि फिर दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सिंपल में है सवाल, जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं लिखूंगा, आप लोग इन्हें उतारते जाओ। कह रहा कि एक क्लास में जो टेस्ट हुआ उसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनका योगफल, यानी दोनों को जोड़ दें तो 30 होता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 हो जाता है। चलिए मानिए, माना माना शेफाली का गणित में प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक, ठीक है? लिखो भाई जल्दी जल्दी। मान लो ये अक्ष है, हम यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि दोनों का जो योगफल है, दोनों का जो सम है बच्चा, वो 30 हो जाता है। ये भी कह रहा है ना, ये भी कह रहा है, यानी कह रहा है कि जो मैथ है और प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश में प्राप्त अंकों का सम जो है वो 30 है, ऐसा बोल रहा है। अगर मैथ का प्राप्तांक हमने यक्स मान लिया बच्चा, मैथ का प्राप्तांक यक्स मान लिया, तो यक्स प्लस इंग्लिश आ जाएगा बराबर 30, यानी इंग्लिश का कितना निकलेगा? 30 माइनस यक्स, बताओ निकलेगा कि नहीं भाई? पूजा कुमारी बताइए, इतना आएगा ना अनिकेत? यही आएगा ना भाई? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? लिखेंगे अतः इंग्लिश में प्राप्तांक, लिख लो, अंग्रेजी में प्राप्तांक
प्राप्तांक कितना? 30 माइनस x। इतना तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। यानी गणित में जो प्राप्तांक था हमने x मान लिया, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 माइनस x होगा। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि दोनों का योगफल मैथ प्लस इंग्लिश 30 दिया है, ये किताब में दिया है, तो यहां से आप इसको समझ लोगे। इतना हो गए तो आप इनको जल्दी से लिखते चलो, चलो फटाफट लिखो, हम साथ साथ में लिखवा देते हैं, लेकिन समझ के लिखना, बिना समझे मत लिखना, ठीक है? बिना समझे मत लिखना, इसको लिख लो दो लाइन, तो फिर हम आगे करवाते हैं। हम सामने से हटते रहेंगे, आप इसे लिखते रहो फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हो गया इतना? बहुत ज्यादा हम टाइम भी नहीं देंगे आपको नोट करने के लिए, बस फटाफट कुछ ही सेकेंड है, ठीक ना बच्चा? चलो इतना हो गया। अब इसमें बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे आगे सवाल में क्या कहता है। देखो मैं किताब ये लिया हूँ, किताब आप लोग NCERT ले लो बच्चा। हाँ आया था, आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे सुनो क्या कहता है। हाँ ये हो गया। कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो चलो बच्चों ये भी कर लेते हैं। अब नीचे लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक यानी यक्स प्लस 2 और इंग्लिश में कह रहा है कि 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले मतलब भाई ये इंग्लिश का जो प्राप्तांक था उसका वो 30 माइनस x है, तो इससे 3 अंक कम का मतलब ये होता है कि इसमें से 3 घटा दो, तो यानी ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इनका जो गुणनफल है वो दिया है 210। बोलो दिया ना किताब में? नहीं समझ में आएगा बता देना भाई दीपांशु जी। अच्छा बच्चा इसमें जो PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पे देख रहे हैं बच्चे, क्या उनको क्लियर नहीं हो रहा है क्या? नहीं क्लियर हो रहा तो बता देना, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक ना? PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे आ जाना, अगर क्लियर नहीं होगा तो, होगा तो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ क्या करेंगे अब भाई? सिंपल सी बात है यार, गुणा कर लो दोनों का, मल्टीपल कर लो। देखो मल्टीपल करना आपको आता है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इनका मल्टीपल करो, इनका मल्टीपल अगर आप करोगे तो क्या होगा? पहले आप इसको कैलकुलेशन कर लो आपस में, तो x प्लस 2, ये प्लस ये माइनस, बच्चा ये घट जाएगा तो प्लस माइनस घटेगा, तो प्लस में 27 आएगा और माइनस में यक्स, यानी माइनस यक्स प्लस 27 कुछ ऐसे बनेगा बराबर 210। इसको हम चाहे तो सीरियल चेंज कर दें, 27 को पहले लिख दें, लेकिन गुणा ही तो करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, जाने दो। मल्टीपल करो, यक्स का एक्स में करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा भैया? ये एक्स का एक्स में करोगे x2, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आएगा। एक्स का 27 में करोगे बच्चा तो ये 27x, हमने एक्स का मल्टीपल इन दोनों में कर लिया। अब क्या करेंगे भाई? अब 2 का मल्टीपल इसमें पूरे में करोगे। देखो एक बार मैंने एक्स का कर लिया, फिर 2 का पूरे में करोगे। भाई सुशी सौरभ ये बताओ PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पे क्लियर आ रहा है ना? बोलो यस या नो, आ रहा है ना? चलो 2 का गुणा करो एक्स में, तो -2x क्योंकि ये माइनस है। 2 का 27 में करो, 54 इक्वल 210। इतना सही है ना? चलो भाई ओके, अब क्या करोगे यार? हाँ अब सिंपल सा है, इनको आगे बढ़ाओ। ये यक्स वाला 2 पद है ना, ये देखो प्लस माइनस ना, तो ये -x² ऐसे लिख दो और ये +25x। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि बच्चा ये 27 माइनस 2 25 होता है ना, होता ना भैया 25, तो क्या करोगे आप? 25 लिख दो। एकदम क्लियर दिख रहा है ना? अगर कोई डाउट होगा तो बता देना कोई भी बच्चे, सबसे पहली बात तो ये दिखाना बताना, अगर ब्लर होगा तो नहीं दिखेगा तो ये बताना। हाँ इतना इधर ठीक है ना? चलो यहां मैंने लिखा है x² + 25x, अगर कटेगा नहीं दिखेगा तो बताना। ये 54, 210 इधर लाओगे माइनस हो जाएगा इक्वल 0। इतना दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना?
अब इसका आधा पार्ट हम इधर साइड में हल कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा क्या करोगे, बाबू क्या करोगे, ये प्लस माइनस घट जाएगा। हाँ, ये 210 से 54 घटा लोगे तो फाइनल में आपका आएगा यक्स का स्क्वायर। देखो मैं एक दूसरा पार्ट इधर कर रहा हूं, और प्लस 25 यक्स, ये प्लस माइनस सबट्रैक होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है। 210 से 54 घटाओगे 156 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, इक्वल जीरो। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, यहाँ के बाद मैंने यहाँ कर लिया। अब क्या करेंगे, चूंकि स्टार्टिंग में माइनस होता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसको हम हमेशा प्लस बनाते हैं अगर शुरू में माइनस है तो क्या करेंगे, -1 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे दोनों तरफ, -1 का मल्टीपल करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये जो भी प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये लो, सब चिन्ह पलट जाएंगे, ये इतना आ जाएगा। जीरो में जब हम -1 का मल्टीपल करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, नीचे यहाँ दिख रहा है, ये नीचे की लाइन दिख रही कि नहीं, जल्दी बोलो भाई, ये जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ ये दिख रहा पूरा कि नहीं। मिस्टर दीपांशु, प्रज्ञा, अनंत, ध्रुव, दिख रहा ना बच्चा ये। चलो अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, हमें हल करके इसके मूल निकालने हैं। क्या करेंगे, अब ध्यान देना, ध्यान दो क्या करना है, कोई दो गिनती बताओ जिसको गुणा करें तो 156 आए, जोड़ दें तो 25 आए। चलो मुझे बताओ, जल्दी करो। देखो कैसे जानते हैं, मैं आपको बताऊं, इसका पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद तब हम जान जाते हैं कि कैसे बनेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे शॉर्टकट में, फिर मैं अभी डीटीएल बता दूंगा। यक्स स्क्वायर माइनस, आप 12 धन 13 कर सकते हो, यक्स और प्लस 156 बराबर जीरो। किसी का और आंसर आया कि नहीं, 12 में अगर 13 जोड़ोगे बच्चा तो क्या आएगा, 25 आएगा ना भाई दीपांशु, बिल्कुल राइट। और 12 13 का गुणा करोगे 156 आएगा। देखो कैसे आता है, अगर आप कहो तो मैं बता दूं, चलो कमेंट करना बता दूंगा अगर करोगे तो, नहीं तो जाने तो 10 में पहुंचे हो, सीख गए होगे ना। चलो इनके फैक्टर करके निकालते हैं। अब ये यक्स का स्क्वायर माइनस 12 का, इसमें गुणा होगा 12x, और फिर पहले माइनस है अंदर में, फिर प्लस, जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा तो प्लस पे माइनस हो जाएगा, 13 का x में तो 13x गुणा हो जाता है ना, 12 का x में वो तो 12x, माइनस था शुरू में माइनस हो गया, ये 13x प्लस में होता लेकिन यहाँ स्टार्टिंग माइनस था इसलिए ये माइनस हो गया, और धन 156 इक्वल जीरो, 156 लिखा है। अब इधर साइड में मैं हल करने की कोशिश करूंगा। भाई पुनीत शर्मा जी, आ रहा समझ में कि नहीं, देखो अगर कोई डाउट है तो निसंकोच बता देना, जैसे कम दिखेगा, ब्लर दिखेगा या नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना तुरंत, और अगर आपने इसको लिखा नहीं था तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके 2 4 20 सेकेंड। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, यहां तक दिख रहा है, हाँ यहां तक दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे बच्चा, तो यक्स कॉमन लोगे इसमें तो बचेगा यक्स -12, और इसमें माइनस का 13 कॉमन लो लोगे बच्चा तो यक्स माइनस, देखो माइनस अगर इसमें कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा, पहले तो मुझे ये बताओ आप, माइनस में ही बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लोगे, अंदर में प्लस है तो माइनस बचेगा, इक्वल जीरो। यानी हम कह सकते हैं यक्स -12 एंड यक्स -13, ये इसके गुणनखंड आएंगे, ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। यक्स का वैल्यू निकालोगे तो 12 1 आएगा, 1 13 आएगा, दोनों प्लस में आ रहा है। आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये बताइए फिर गणित का प्राप्तांक क्या होगा शेफाली का, बहुत आसान है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, नीचे लिखो, यहां लिखो, यदि शेफाली का गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक बराबर, बराबर नहीं लिखो, गणित में प्राप्तांक लिखो इतना बस, प्राप्तांक के आगे लिखो नीचे यक्स बराबर 13, तो
यक्स का मान अगर हम 13 ले लेंगे, या पहले 12 ही ले लो, 12 पहले है, यानी 12x=12, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक, तो अंग्रेजी में प्राप्तांक लिखो 30 - x = 30 - 12 = 13। मतलब आप समझ गए, अगर शेफाली को गणित में 12 मिलेगा तो अंग्रेजी में 13 मिलेगा। और एक बार फिर से लिखोगे, इसको लिख लो, पहले तो मैं बताता हूँ, कुछ सेकंड रुक के जल्दी करो, इसको नोट कर लो बच्चा लोग, फट से लिख लो, बहुत जल्दी लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या है पूरी कहानी। चलो हो गया इतना, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, टाइम ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत कम समय है। इसी तरह से फिर से लिखोगे, यदि शेफाली का अंग्रेजी का प्राप्तांक जो है वो 13 है, या फिर गणित वाला चेंज कर दो, तो दूसरा जो है वो अगला आ जाएगा, मतलब एक 12 होगा, एक 13 होगा, इसी में से एक होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ये सीधा सा बात है बस। चलो अब देखो, इतना लिख लिया ना, इसमें कोई हैरानी नहीं ना। चलो अब देखो, समझने की कोशिश करो। हाँ, इसको लिखने के बाद में अब आप फिर से लिखोगे, सारी लाइनें फिर से लिखोगे आप। चलो नीचे फिर से लिखो दोबारा, यदि शेफाली का गणित में प्राप्तांक बराबर 13, तो अंग्रेजी प्राप्तांक 13 - ये यक्स का मान रख दो 12, अरे अंग्रेजी प्राप्तांक x - 13 बराबर 12। क्यों, सही हो रहा है क्या ये? नहीं, यहां गड़बड़ हो रहा है ना, यहां गड़बड़ हो रहा है यार, शुरू में ही गड़बड़ हुआ था। देखो एक चीज देखो, यहां पे मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहां देखो, अगर इसको गणित का जो प्राप्तांक है यार, अगर यहाँ पे पहले 12 लोगे तो ये 30 - 12, ये तो आप घटाओगे ना आप यार, ये 18 आएगा। कितना आएगा? 18। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। देखो मैंने घटाने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, सब ट्रेक करने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप समझ गए। मतलब आप 30 से 12 घटाओगे, जो आएगा वो हो गया, ये आपका पहला स्टेप में हो गया गणित वाला। इस तरह से अगर हम अंग्रेजी का निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आ गया, एक जो है 12 आ गया, एक 13 18 आ गया, यानी गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18, दोनों को जोड़ोगे 30 आएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 210 आएगा, आएगा ना, करके देख लेना, यही तो कहा था ना वो। हाँ अब लिखो, शेफाली का गणित में, यदि शेफाली का गणित में प्राप्तांक 13, यहां पे 13 लिखो, दो बार लिखोगे क्योंकि दो मान आए हैं एक्स के, तो 30 - 13 = 17, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए फटाफट नोट करिए, जल्दी देर मत करिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए फिर ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक में 13 आएगा तो एक में, ओ सॉरी, 17 आएगा, एक में 18 आएगा, एक में 17 आएगा तो एक में 18 आएगा, ये था पूरा आपका फाइनल आंसर। अब अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये बताओ पहले क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा है? मिस्टर सौरभ जी एकदम क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। चलिए तो बच्चे ये बताओ आप लोग कि समझ में आ गया ना, अगला सवाल कौन सा है आप लोग? चलो पढ़ो अगला सवाल, पढ़ो जल्दी से, क्या है अगला सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? आईएएस आईपीएस, आपका यही नाम है बस, बाकी और कोई नाम नहीं है? बहुत अच्छा, जय हिंद बाबा। इसमें तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है यार मुझे, क्यों? पीबीआर स्टडी इलाहाबाद वाले बच्चों को कुछ गड़बड़ दिख रहा है का? नहीं, देखो नीचे इसमें थोड़ा कट रहा था लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, नीचे थोड़ा कट रहा था ना लेकिन बताया नहीं आप लोगों ने, मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है ना, बताना चाहिए ना भाई, इधर नीचे थोड़ा सा कट रहा है आपको बता देना चाहिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 156 = 0 लिखे हैं, 156 = 0 लिखे हैं,
और यहाँ पर मैंने लिखा है 30 - x = 30 - 13 = 17 लिखा है। अगर आपने सुना होगा तो फिर आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर छठवां देखो आप लोग, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या कहता है, समझने की कोशिश करिए आप लोग, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 10th वाले बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक देखें। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयत के आकार का खेत है, क्या है बच्चा, एक आयत के आकार का खेत है बाबू, ठीक है। कह रहा उसका जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये जो बीच में भुजा होती है, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है, ये विकर्ण होती है। कह रहा कि उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करिए, खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। भाई जय जिन, आप ज्यादा कमेंट ना करो, निवेदन है आपसे, ठीक है। बोलो बोलो मत करो, चुपचाप पढ़ाई कर लो, बस पढ़ाई कर लो। अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना, चले जाओ चुपचाप, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब ध्यान से सवाल देखो, एक बार फिर से सुन लो। एक आयत के आकार का खेत है जिसका विकर्ण कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब ये जो विकर्ण है वो छोटी भुजा यानी इससे क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो, मतलब कि जो ये बड़ी भुजा इधर वाली, इस भुजा से छोटी से 30 मीटर अधिक लंबी हो तो हमें लंबाई और चौड़ाई बताने हैं। समझ गए ना पूरा कहानी क्या करना है। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, हल करने के लिए हम इसे मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखित में हल करके दिखाना है ना। चलिए अब क्या करोगे बच्चा लोग, आप लिखो। माना, सबसे पहले क्या मानेंगे, देखो खेत की दोनों भुजाएं ज्ञात करना है तो हमें एक भुजा सबसे पहले निकालना होगा, कौन सी, देखो जिस पे सब डिपेंड है। एक बार फिर से सवाल देखो, कह रहा कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, किससे, छोटी भुजा से। फिर आगे कहता है यदि उसकी बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब सब कुछ छोटी भुजा पे ही डिपेंड है तो पहले छोटी भुजा ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो लिखो, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, या फिर ऐसे लिख लो छोटे में, माना छोटी भुजा बराबर, लिखो हल लिखो यहां पे, माना छोटी बराबर क्या मानोगे बच्चा, यक्स मीटर, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो चीजें दिया वो मीटर में दिया है, एक्स मीटर हो गया। ऊपर नहीं दिखेगा तो बता देना मैंने लिखा माना छोटी भुजा एक्स मीटर। तब बड़ी भुजा क्या होगी, देखो बड़ी भुजा कह रहा था कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो बच्चा ये यक्स प्लस 30 मीटर होगी। हाँ अगर ऊपर नहीं दिखेगा, कटेगा, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, टेंशन मत लेना। नीचे लिखो, अतः विकर्ण, भाई विकर्ण कितना होगा, बच्चा कह रहा था कि छोटकी वाली भुजा से जो है वो 60 मीटर अधिक बड़ा है, तो विकर्ण एक्स प्लस 60 मीटर होगा, बस यही तो कहा था, जो कहा था मैंने लिख दिया। भाई समझ में आ रहा ना, इधर साइड में सौरभ पासवान पहले जो चल रहा है उसको पढ़ लो बेटा, है जो चल रहा है पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान देना आप सभी, समझने की कोशिश करना क्या क्या हो रहा है। चलो आगे देखो, इधर साइड में अब आगे क्या सवाल कहता है ध्यान दीजिए। कह रहा कि बड़ी भुजा छोटी भुजा के बारे में तो जो था हमने पढ़ लिया, इसके बाद आगे क्या कहता है ध्यान दीजिए कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात यहां पे ध्यान दो बच्चा,
ये मैं यहाँ पे चित्र बनाया था ना, अभी एक छोटा सा बना देता हूँ साइड में, देख लो यहाँ जगह तो दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। तो मान लो ये विकर्ण एक आयत है, ठीक है, इसका ये विकर्ण है, ये छोटी भुजा है जो कि यक्ष है, ये यक्ष प्लस 30 है और ये यक्ष प्लस 60 है। अब यहाँ से कहानी समझो, कहानी समझो यहाँ से, अगर हम इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें, इसको सी, इसको डी, आपको पता है कि आयत के जो कोण होते हैं 90 अंश के होते हैं, बोलो चारों कोण 90 अंश के होते हैं ना भैया, होते ना 90 अंश के, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना यार, अगर ये भुजा लो आप, ये लो और ये और ये, यानी ए डी और सी, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, जिसमें आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हो। तो क्या करोगे, लिखो त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ लिखो त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर 90 अंश, अब पाइथागोरस परमीय से, पाइथागोरस परमीय से, देखो बेटा पाइथागोरस की परमीय का होता भैया, कर्ण का जो स्क्वायर होता है से दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस की परमीय कहती है, इक्वल आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, यही कहती है ना। देखो ये त्रिभुज है ए डी सी, ए डी सी, इसमें आधार डी सी है, क्योंकि जिस भुजा पर कोई कोण बनता है वो आधार होती है, सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण त्रिभुज में हमेशा जो खड़ी भुजा होती है ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब यक्स प्लस 60 का स्क्वायर, थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं सही करता हूँ, कहा हो जाएगा बच्चा, ये यक्स प्लस 60 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आप लोग अगर यहाँ ध्यान दो तो आधार एक्स प्लस 30 है, थोड़ा परछाई टाइप का पड़ रहा है ना यार, लंब एक्स है, इनको हल करके हमें कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप कर लोगे ना, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना नहीं संकोच। अब मैं ऊपर हल करूंगा एकदम ऊपर ले चल के, लेकिन मैं शायद नीचे भी एक लाइन अभी लिख सकता हूँ ना भैया, नीचे अभी मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि नहीं। चलो ठीक है, हम सब ने पढ़ा है, का पढ़ा है, ये सूत्र पढ़ा है ना बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको नहीं याद है तो लिख लो जल्दी से चुपचाप, ये फार्मूला लगाएंगे दोनों तरफ। तो इसमें जब ये सूत्र लगाओगे भाई, यहाँ पे कम दिखता है क्या, इसमें सही दिख रहा है ना, चलो तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा एक ही जगह पे, धन 2ab यानी 2 गुणा a, a की जगह पे x, b की जगह पे 60, और धन b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, समझते जाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब क्या होगा ध्यान देना, टेंशन मत लेना एक पैसे का, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट करना, मैं ऊपर लिखूंगा, इसमें भी लगाओ, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2ab, a की जगह x, b की जगह 30, और धन b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर और प्लस यक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ये पूरी कहानी जो थी मैंने आपके सामने दिखा दिया, अब समझने की कोशिश करना बच्चा, हाँ ठीक है, एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 60 यानी 60, प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हमने इन दोनों में, इनमें और इनमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया। चलो इतनी कहानी हो गई पूरी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ सूत्र। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, या फिर आप इसे नोट कर लो, जल्दी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत जल्दी करो भाई, हो गया ना इतना। मिस्टर दीपांशु, प्रतिज्ञा, कौन कौन है भाई, प्रार्थना है, पूजा, और कौन है, चंदन, चलिए ठीक है, अब हम ऊपर से मिटाएंगे दो तीन लाइन और ऊपर से हल करेंगे, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो बहुत से बच्चों के कमेंट हाइड हो रहे हैं, जो कि पब्लिश नहीं हो रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, इनको हम आगे कैलकुलेट करेंगे जो भी चीज है इसमें,
यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना। चलो ये यक्स का स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करोगे 60 दूना 120, तो बच्चा ये 120x हो जाएगा, और प्लस 60 का होल स्क्वायर मतलब 3600, कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा ना, इक्वल यक्स का स्क्वायर प्लस, देखो इसको गुणा करोगे बच्चा तो 30 दूना 60x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60x, और प्लस ये 900 हो जाएगा, और धन ये एक्स का स्क्वायर है, नहीं प्लस वही चौथा, वही मैंने लिख लिया, इसमें मैंने कुछ नया जन्म नहीं किया, जो था मैंने वही छाप दिया बस, ठीक ना। इसमें कोई डाउट है तो बता देना भाई। बलवंत जी, आ रहा कुछ समझ में? क्लियरिटी आ रही कि नहीं बच्चा? एकदम क्लियर है ना? चलो ये हो गया। अब हल करोगे, कहो तो मैं ये थोड़ा सा लाइन बढ़ा दूं या थोड़ा शॉर्टकट कर दूं? अगर मैं शॉर्टकट करूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा बेटा। काहे कट जाएगा? क्योंकि इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। बलवंत कुमार गुप्ता जी, आ रहा समझ में ना? ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक तो कट जाएगा पक्का है। आगे देखो, ये 120x है, ये 60x है, इधर आएगा घट जाएगा, आपको पता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, पहले ये लिखो फाइनल में क्या आएगा, देखो और समझो। हाँ ये अगर इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 60 आएगा ना भाई, 60 से अगर ये 60 घटाओगे 60 आएगा, इधर साइड कुल मिला के हमारा क्या बचेगा? चलो मैं जो जो है सब पूरा लिख लेता हूँ। सबसे पहले इनको पकड़ लाओ इधर, तो यक्स का स्क्वायर ऐसे ही आएंगे, माइनस में हो जाएंगे भाई, इनको मैंने पकड़ के लाया क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अब हम यक्स वाला लाएंगे, लेकिन पहले जो इधर है उसको ऐसे लिखेंगे। ये लो मैं थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, -60x 120 ऐसे उतार लिया, पहले एक्स का स्क्वायर इधर लाया था, चूंकि हमें क्या करना था, हमें एक द्विघात समीकरण बनाने हैं, तो पहले हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। तो ये 120 और ये 60, उधर साइड अभी 900 बच रहा है, लेकिन उसके पहले इधर 3600 है, -900 = 0। ये हो गई पूरी कहानी। अब क्या करोगे बच्चा? बस सिंपल सा है, कर लो फटाफट, इनको जो भी करना है हल कर लो, बहुत आसान है, छोटा सा ये प्यारा सा नन्हा सा। अब हम चाहे तो चित्र मिटा दें, चित्र मिटा दें, रहने दो, इसको घटा लो बेटा, तो ये हो जाएगा -x² और ये +60x और ये प्लस, इसमें से घटाओगे 900 तो ये 2700 आएगा, है ना? ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है तो बता देना, नहीं संकोच बोल देना। चलो अब क्या होगा पता है आपको? ध्यान दो, यहाँ माइनस है ना, दोनों तरफ आप -1 से मल्टीपल करोगे दोनों पक्षों में, तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर -60x -2700 = 0, और ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे आपको पता है? क्या करोगे भाई साहब? चलो बता दो मुझे, कमेंट करके बता दो क्या करोगे, जल्दी करो। चलो चलो सभी बच्चे बता दो मुझे कमेंट करके। देखो अब मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दो, अब आप एक काम करोगे, गुणा करने पे 2700 आए, गुणा करने पे क्या आए 2700, और घटाने पे, यहां माइनस है ना, घटाने पे 60 आए। चलो मुझे बताओ, कोई दो गिनती बताओ जिसको गुणा करने 2700 आ जाए, घटा दे तो 60 आ जाए। चलो बता दो जल्दी करो, कितना होगा भाई साहब? ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, इधर साइड पूरा दिख रहा है ना? चलो ठीक है, तो दो गिनती हम क्या करेंगे, 2700 के गुणनखंड करेंगे। 2700 के गुणनखंड करना तो आप जानते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गुणनखंड आप लोग कर लोगे, कर लोगे ना बच्चा? हाँ कर लोगे ना? क्या है? कुछ उल्टा हो गया क्या भाई? एक ही चैनल पे दोनों लाइव चल रहा है क्या? क्या अलग अलग चल रहा है? चलो जो भी है पहले हम इसको हल करते हैं।
आप इनके अगर गुणनखंड करके देखो तो एक 90 आएगा, एक 60 आएगा, करके देखना। नहीं आएगा तो मुझे बता देना कि मुझे ये गुणनखंड करना नहीं आया, कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चा ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, आप इसकी जगह 90 माइनस 30 लिख सकते हो, 60 की जगह 90 माइनस 30, ये x वैसे रहेगा माइनस 2700 बराबर 0। ये समझ में आया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर आप इसमें से घटाओगे, 90 से 30 घटाओगे बेटा, तो 60 आएगा, 90 30 का गुणा कर लो 2700 आएगा। इतना तो आपको क्लियर है ना? इसमें तो कोई हैरानी परेशानी नहीं है, नहीं है ना भाई? ठीक चल रहा है ना एकदम? चलो अब इनका गुणा करोगे, लेकिन मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि कैसे दिख रहा है आप सबको, मतलब अच्छा दिख रहा है कि नहीं। यार इधर साइड में बच्चे कुछ पीडीआर स्टडी चैनल पे जुड़े हैं, कुछ इलाहाबाद चैनल पे जुड़े हैं, कुछ चैनल नंबर 2 पे जुड़े हैं, तो क्या है कैसे यार, मतलब क्लियरिटी व्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही भाई? हाँ चलो गुणा कर लेते हैं हम। ध्यान दो आप लोग बच्चा, इसका x में गुणा करो तो ये x का स्क्वायर माइनस 90x, पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 30 का x में x माइनस 2700 = 0। इतना ठीक है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चा क्या करोगे बेटा? बस कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है, अब इसमें कॉमन ले लो। रवि शंकर जी गुड मॉर्निंग, देख पा रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, कॉमन ले लो इसमें बच्चा, यक्स कॉमन लोगे यक्स माइनस 90 बचेगा, इसमें धन 30 कॉमन लोगे यक्स माइनस 90 बचेगा = 0। अब हमें फाइनल कर देने हैं, क्या करना है, फाइनल कर देना, इतना करके ऊपर साइड में करूंगा। अगर आपने ऊपर का नहीं लिखा था तो आप वीडियो को बैक करिए, थोड़ा पीछे करिए और फिर से लिखिए ऊपर साइड में। देखो ये जो दोनों कॉमन है एक बार लिख दिया जाता है, जो दोनों कॉमन है क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, x माइनस 90 और x और ये प्लस का 30, ये 1 हो गया = 0। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई हैरानी परेशानी नहीं ना बच्चा? अब x के मान निकालोगे तो एक 90 आएगा और एक 30 आएगा, यानी x के दो वैल्यू आएंगे, एक माइनस 30 एक 90। क्यों? कुछ लोग इससे भी हैरान होंगे, काहे आ गया, ये लो लिख लो बच्चा, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 प्लस में आएगा, समझते? चलो मैंने नीचे तक लगाया, उसके बाद फिर मैं ऊपर से लगा रहा हूँ, एक एक लाइन ऊपर से निपटा रहा हूँ ये। हाँ यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30, इस तरह से दो मान आए। x क्या है, x क्या है, स्टार्टिंग में मैंने माना था कि मान लीजिए आयत की जो छोटी भुजा है आयताकार खेद की x है, यही तो माना था ना भैया, यही तो माना था ना बाबू। तो x की जो मान है यानी जो भुजा है वो माइनस में तो होगी नहीं भाई, कोई भी लंबाई चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं, कि हमारे घर की लंबाई माइनस 35 मीटर है तो भैया माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए माइनस वाला मान को हम छोड़ देंगे। तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो अतः छोटी भुजा यानी छोटकी भुजा x बराबर 90 मीटर, कितना मीटर बचवा, 90 मीटर भैया, और बड़ी भुजा कितना था, x प्लस 30 ना, ये था x प्लस 30। तो लिखोगे 90 प्लस 30 बच्चा 120 मीटर, कितना मीटर, 120 मीटर। समझ में आया ना, इसको लिख लो जल्दी से, छाप लो, अगर कोई डाउट है तो निसंकोच बता देना फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई पवन कुमार सोनकर आ रहा समझ में, रिशु सहानी आ रहा ना बच्चा, सुधांशु आ रहा ना आपको भी, और कौन है, प्रांजल, आकृति, अंशु, सभी को आ रहा है ना? देखो आप सभी के कमेंट हाइड हो जा रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ के आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैं किसी का जो है वो रिव्यू नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं नाम सबका बोल दे रहा हूँ। रवि शंकर आपको भी आ रहा है ना? चलो एक्सरसाइज 4.3 के आपके दो क्वेश्चन हो गए बच्चा,
और जहाँ तक मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत कमजोर हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को लेके आओ, तब फिर हम बड़ी बड़ी क्लास चलाते हैं। ऐसे मज़ा नहीं आती यार, सूखा रूखा चला तो कोई मज़ा नहीं आती। 10 बच्चे इसमें देख रहे हैं, 50 बच्चे उस चैनल पर देख रहे हैं, तो 2-3 चैनल पर जहाँ भी चलती है किसी में 1000 बच्चे तो हो जाना यार, कम से कम मज़ा आए। फिर उसके बाद 2-2 घंटे क्लास चले, 3-3 घंटे लगातार बड़ी बड़ी क्लास चले। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या करते हो, शेयर करते हो कि नहीं करते हो, कैसे क्या करते हो, भगवान जाने। चलो ठीक है, फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, और उसके बाद उसका स्क्रीन शॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। किसका? चैनल का सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीन शॉट इस पर व्हाट्सएप करें, और उसके साथ में अपना नाम, अपनी क्लास का नाम और अपने शहर का नाम, ये 3 चीज़ आपको जरूर भेजना है। नाम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम यानी जिला का नाम, ये आप भेज दो। ठीक है, ये आप भेज दो तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बता देना क्लास 10th के ग्रुप में जुड़ना है। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है, फिर आप स्टडी कर पाओगे। सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको भेज दी जाएंगी। ठीक है रविशंकर जी, आपने भेजा है तो फिर आप काहे को परेशान हो यार, आप पढ़ाई करो चुपचाप बस। ठीक है बलवंत कुमार गुप्ता, अभी हो ना आप, आ रहा ना समझ में? कोई डाउट, कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं ना? चलो ठीक है यार, कभी कभी ये लाइव चल जाता है इस फोन में, कभी कभी नहीं चलता है, मुझे समझ में नहीं आता इसमें कौन सा बूथ लगा है सर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये क्लास हर रोज सुबह होती है, कितना बजे से? 8 बजे से होती है। आप सभी अपने साथियों के साथ जुड़िए और पढ़िए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस क्लास को खूब शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सके खूब शेयर करिए। और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। क्लास को शेयर करके जाना बच्चा। हाँ कोई डाउट होगा